प्रदेश के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने जिला विकास प्राधिकरण को स्थगित करने की घोषणा तो कर दी है, लेकिन बागेश्वर के लोगों को महायोजना के खत्म होने का इंतजार है। महायोजना के नियमों के कारण ही बागेश्वर में अचानक जमीनों का लैंड यूज चेंज कर दिया गया था, जिस कारण दर्जनों लोग जमीन खरीदने के उपरांत भी अपने सपनों के आशियाने का निर्माण नहीं कर पा रहे हैं। जमीन लेकर मकान बनाने का सपना देख रहे जीवन सिंह कालाकोटी ने बताया कि उन्होंने मंडलसेरा में मकान बनाने के लिए जमीन खरीदी थी। जमीन खरीदने के उपरांत पता चला कि जमीन को महायोजना के नियम के तहत उसे सामुदायिक में परिवर्तित कर दिया गया है, जिस कारण वो अपना मकान नहीं बना पा रहे हैं। जीवन सिंह कालाकोटी की तरह ही कई ऐसे परिवार हैं जिन्हें बागेश्वर में महायोजना के खत्म होने का इंतजार है। मैं जब पार्टियां बनी थी भारतीय जनसंघ से लेकर के भारतीय जनता पार्टी, आज तक भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट रहा, इसी को समर्थन मेरा रहा है। मैंने आज से 6 साल पहले जमीन खरीदी और मैं क्या, मेरे साथ और भाई भी हैं जो दूर दराज बजिया को क्षेत्र के हैं, एक एक नाली भूमि हमने अपने आवासीय पर्पोज के लिए खरीदी थी। ये मंडल सेरा में नज़दीक आर्मी कैंटीन के, तो वहाँ पर हमें बाद में पता चला कि यह भूमि जो है महायोजना में अंकित है। और जब हमने इसकी जांच पड़ताल की, न पटवारी ने बताया न तहसील से बताया गया। इसके अतिरिक्त मैंने ये सारी इंफॉर्मेशन सूचना के अधिकार में सबसे ली है, किसी को कोई पता नहीं, और आज तक हम भवन बनाने से वंचित हैं। ये आखिर गरीबों को जनता हमेशा सहयोग देती रही पार्टी को और सहयोगी कार्यकर्ता रहे, हमारे साथ ही ये अन्याय क्यों है? जमीन का हमने अंधाधुंध पैसा दे दिया, भुगतान कर दिया, आज हम नक्शा बना रहे हैं, नक्शे पास नहीं हो रहे, बोलते हैं महायोजना में है। मैंने तो वह जमाना भी देखा है फौज में रहते हुए, जब एवरेस्ट हिमालयन क्लाइंबिंग में जाते थे तो उसमें सरफेस नियुक्त किए जाते थे, ये जगह स्केटिंग की है, यह कैंपिंग की है, यह तीसरी जगह इसकी है, तो इसी तरह से महायोजना अंकित की गई होगी। परंतु ये नहीं देख रहे हैं कि गरीब परिवारों को जिन्होंने भवन बनाने हैं उनको आपने तो 2031 तक के लिए उसको महायोजना में रख दिया, कब तक हम सफर करेंगे? और सरकार का कथन यह है कि हमने प्राधिकरण समाप्त कर दिया और स्थगित कर दिया और अभी तक उसके शासन आदेश आए नहीं है, कितने पीड़ित हैं हम लोग। यहाँ की सबसे जो महान समस्या है वो है महायोजना। उस महायोजना में आपने तो प्राधिकरण समाप्त कर दिया, महायोजना के बारे में 2 शब्द नहीं बोले। 2031 तक आपने रखा है, कल बढ़ाएंगे तो 40 तक रख दो, हम जो गरीबों के 60 परिवार जमीन को लेकर के बैठे हैं वो परेशान है, ऐसे ही इंतजार करते रहेंगे। जबकि यह होना चाहिए था, जब हम आवासीय पर्पोज के लिए ले रहे हैं तो हमें बता देना चाहिए था कि भाई आवासीय नहीं है, ये जमीन महायोजना में है, फिर दाखिल खारिज नहीं चलनी चाहिए थी। सारी चीज़ें इस कार्रवाई आवासीय में हुई है, भवन बनाते समय हमें जो है रुकना पड़ रहा है वहाँ पर, न विक्रेता ने बताया न शासन ने बताया, कितनी बड़ी दिक्कत है इसमें। अब हम शासन प्रशासन से मांग करते हुए हार चुके हैं, जितना रोना रोना था हम रो चुके हैं, लेकिन यह पीड़ा हमारी कम नहीं हो। कब शासन ध्यान देगा, प्रशासन ध्यान देगा, कब हमारे विधायक इस मामले को संसद में उठाएंगे? वास्तव में हमारी जनता इस तरह से पीड़ित है, कोई भी कार्रवाई इसमें नहीं हुई है, लंबित है। CCN न्यूज़ के लिए हिमांशु जोशी की रिपोर्ट।